नई वाली क्रेटा के ऊपर काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको रोल आउट होती हुई देखने को मिल रही होगी इंटरनेट के ऊपर। अब आप भी अगर प्लान कर रहे हो तो ऑब्वियसली आप भी ज़्यादातर ऐसे ही रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग या फिर बात कर लो जो भी आपको मिल रहा होगा इंटरनेट के ऊपर, जो भी चीज़ें आर्टिकल वगैरह मिल रही होगी वो आप देख रहे होंगे। जो लोग स्पेशली चैनल को हमारी चैनल को सब्सक्राइब करते आ रहे हैं उन लोगों को अच्छे से पता होगा कि क्या सीन नई वाली क्रेटा के साथ में हो रखे है, कौन सी चीज़ों के ऊपर ज़्यादा हमें अभी ध्यान देना पड़ रहा है एज कलेक्टर या फिर बात कर लो इन्फॉर्मेशन कलेक्टर। तो इस वजह से इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए बहुत सारी जगहों से हेल्प लेनी पड़ती है, उसके बाद रीवेरीफाई मतलब कि प्रोसेस होता है जहाँ पे आपको रीचेक करनी होती है इन्फॉर्मेशन। ये सारी चीज़ें करने के बाद हम आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। तो चैनल पे पहली बार आ रहे हो या फिर नए व्यूअर्स हो तो इस वजह से आपको रिक्वेस्ट होगी कि वीडियो को बिना स्किप के एंड तक ज़रूर देखा करो। लंबा वीडियो हम इसीलिए नहीं बनाते आप ही के लिए क्योंकि आप उसको लंबा मतलब कि पूरा देख लो, इस वजह से वीडियो जो होता है वो शॉर्टर होता है टर्म्स ऑफ लेंथ। तो इस वजह से इस वीडियो के अंदर क्रेटा के बारे में बात करने वाले हैं डिटेल में कि क्रेटा फेसलिफ्ट के अंदर आपको क्या कुछ चीज़ें जो है वो देखने को मिलने वाली है, उन सब की डिटेल में बात होने वाली इस वीडियो के अंदर। तो बिना स्किप के एंड तक पूरा वीडियो ज़रूर देख लेना। लॉन्च और प्राइजिंग के बारे में भी मैं आपको वीडियो के एंड तक बताने वाला हूँ, प्लस फीचर्स वगैरह जो होगा वो उसकी भी हम मोटा मोटी तौर पे जितने हाइलाइटेबल फीचर्स होंगे उनकी बात करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे कि गाड़ी जब भी आएगी तो उसके एक्सटीरियर के अंदर कितने चेंजेस होने वाले। तो क्रेटा फेसलिफ्ट के साथ में जब भी आएगी तो बाहर से मतलब कि कॉस्मेटिक चीज़ों के अंदर क्या चेंजेस आएंगे उनकी बात करने वाले। तो सबसे पहले ग्रिल की बात होगी, ग्रिल के अंदर मतलब कि फ्रंट के अंदर ग्रिल की बात करें तो वो हमें नई वाली ट्यूसो से इंस्पायर्ड देखने को मिलने वाली है। मतलब कि हमने इंडिया के अंदर नई वाली ट्यूसो को ऑलरेडी देख लिया है तो उसके साथ में जो ग्रिल हमें देखने को मिल रही है वही सेम ही होगी, लेकिन उसके अंदर जैसे हेडलैम्प्स वगैरह सब कुछ मर्ज है ऐसा नहीं होगा नई वाली क्रेटा के अंदर। सिर्फ आपको वहाँ पे जो है DRL मर्ज देखने को मिलेगी, बाकी फ्रंट बम्पर चेंज होगा, साइड में आपको अलॉय व्हील्स चेंज होंगे और रियर के अंदर आपको कनेक्टेड टेल लैम्प्स देखने को मिलने वाले हैं, जो कि अभी जो कनेक्टेड टेल लैम्प्स देखने को मिल रहे हैं उसको रिप्लेस करने वाले हैं सेपरेटेड टेल लैम्प्स, जो मैंने गलती से आपको पहले बोल दिया कि कनेक्टेड आने वाले तो उसके लिए माफ़ी। बाकी अपडेट मतलब कि चेंज है कि नई वाली क्रेटा के अंदर टेल लैम्प्स के अंदर आपको सेपरेटेड टेल लैम्प्स देखने को मिलने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें होने वाली है, आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करने वाले जो कि है इंटीरियर। इंटीरियर के अंदर कितने चेंजेस को आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, वेल वहाँ पे लेवल 2 का एडास सबसे बड़ा हाईलाइट होगा और हर एक इंडियन मतलब कि हर किसी को इसी का इंतजार था जो फाइनली आपको इस गाड़ी के साथ में फेसलिफ्ट के अंदर देखने को मिलने वाला है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो कि अपडेटेड होगा और बहुत सारे फीचर्स के साथ में आने वाला है। इंफोटेनमेंट सिस्टम सेम होगा लेकिन UI और थीम अपडेट होने वाली है। 360 डिग्री कैमरा होगा, फ्रंट की दोनों सीटें इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल होगी, वेंटिलेशन फंक्शन के साथ में होगी, आपको फ्रंट की ड्राइवर सीट जो होगी वो मेमोरी फंक्शन के साथ में देखने को मिलेगी, कूल ग्लव बॉक्स, एम्बिएंट लाइटिंग और जितने भी नए फीचर्स है गिमिकी फीचर्स या फिर टैकी फीचर्स जो हमने रिसेंटली वर्ना के अंदर देख लिए, तो वो सारे फीचर्स आप मान के चल सकते हो कि आने ही वाले हैं नई वाली क्रेटा के साथ में। और इंटीरियर के बारे में पैनोरामिक सनरूफ, वॉइस असिस्टेंट के साथ में 6 एयरबैग स्टैंडर्ड देखने को मिल सकती है। तो ये सारी चीज़ें आपको कंटिन्यू देखने को मिलने वाली है नई वाली क्रेटा के साथ में। आगे बढ़ेंगे इंजन और गेयरबॉक्स ऑप्शंस की बात करेंगे तो वहाँ पे आपको क्लियरली अभी से बता दूं कि कोई भी चेंज वहां पे नहीं होने वाला है और ये चीज के बारे में हम हर एक वीडियो के अंदर आपको यही बोलते हैं कि यहां पे कोई भी चेंज नहीं होने वाला है अंटिल एंड अनलेस हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं आ जाते हम आपको नहीं बता सकते। प्राइसिंग होगी 10-18 लाख एक्स शोरूम, ऑन रोड की बात करें तो 22.5 या फिर 22 लाख ऑन रोड। लॉन्च एक्सपेक्टेड की जा रही है कि अक्टूबर से नवंबर के बीच में, तो वहां तक आप एक्सपेक्टेशन रख सकते हो इन टर्म्स ऑफ लॉन्चिंग। बाकी वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाना। अगली वीडियो तक दोस्तों ड्राइव सेफ, थैंक यू। अपने ऑटो एंथुसियास्ट फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना।